सबसे महान लोटस तालाब के पीछे 30 साल पुराना श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ आश्रम मठ है। वासुदेव गुरुजी के मार्गदर्शन में साई बाबा की पालकी का आयोजन यहाँ हर साल 24 अक्टूबर को किया जाता है। साई बाबा की पालकी में शामिल होने के लिए सभी भक्तगण पहले से ही मंदिर परिषद में बैठे हैं। ढोल तासे के साथ ये देखिए साई बाबा की पालकी निकाली जा रही है। इस संबंध में वासुदेव गुरुजी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गुरुजी वासुदेव, एक्चुअली ऐसा होता है कि साई बाबा आश्रम जो है ये बनाया नहीं जाता है, बन जाता है। करीबन 30 साल पहले अचानक ये आश्रम बना नहीं है, धीरे 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 इसका निर्माण का शुरू हुआ। क्योंकि मैं खुद जो है टोटली कमर्शियल था, बाबा को बहुत सालों से मानता था, पूर्णतया मैं कमर्शियल था। और हुआ यह कि बाबा ने जो चमत्कार किए और बाबा मेरे जीवन में आए, तो बाबा ने खुद ने ही मुझसे सवाल किया कि तुझे लोगों के लिए काम करना है या क्या करना है। तो मैंने बोला भाई इससे बड़ी बात और क्या है कि मुझे लोगों की सेवा करना मिलेगी। और आज करीबन 25 साल पहले बाबा ने मुझे अपने पास में लिया। आज 24 अक्टूबर है जिस दिन हम बाबा का प्रकट दिन मनाते हैं और पालकी निकालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 24 अक्टूबर को ही आज से 25 साल पहले साई बाबा साक्षात शरीर रूप में मेरे सामने खड़े थे। वो दिन है कि मैं पूरा समझ नहीं पाया कि सच्ची क्या है क्या नहीं हो रहा है। और साक्षात में साई बाबा जब मेरे सामने आए वो दिन 24 अक्टूबर था। और इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को साई बाबा का प्रकट दिन मनाते हैं और साई बाबा की पालकी निकालते चले। ये है कि जहाँ साई बाबा है वहाँ तो उनके चमत्कार अनंत है। बहुत से लोगों का ख्याल यहाँ पे ये होता है, क्योंकि बात यह है कि आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे साई बाबा जो है वो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ आते हैं लोग बाग उनके न जाने कितने अमाप प्रश्नों के लिए आते हैं। किसी की बीमारियाँ रहती हैं, किसकी कैंसर की बीमारी है, किसकी कौन सी बीमारियाँ हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ आके ये बीमारी गुरु जी ठीक कर रहे हैं। पर मैं सच कहता हूँ आप लोगों से, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे में कोई वो ताकत नहीं कि बीमारियाँ मैं ठीक करूँ। साई बाबा साक्षात यहाँ पे हैं। जो कोई भी बीमार मेरे पास में आते हैं मैं सीधे बाबा को बोलता हूँ कि बाबा ये आए हैं, तुम्हारे पल्लू में आए हैं, क्या करना है। तो बाबा ने अगर मान लो झपके दे दी तो मैं उनको बोलता हूँ जाओ आपका बाबा भला करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। और मालूम नहीं कैसे कुछ ही चंद दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। और होता है कि मेरे बोल वहाँ पे काम आते हैं, उनको लगता है कि मैंने सब कुछ किया है। पर सच बात तो ये है कि सब कुछ यहाँ साई बाबा ही कर रहे हैं और साई बाबा की कृपा दृष्टि से ही सारे लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। और लोगों के जीवन में जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो साई बाबा की कृपा से हो रहे हैं। क्योंकि अगर चमत्कार करने वाला अगर मैं खुद होता तो फिर मैं बचपन से चमत्कार करना चालू करता ना, फिर मैं अभी क्यों रुकता मैं। इसीलिए तो बाबा मेरे जीवन में आए, बाबा ने ये सब बातें मुझे बताई। और बाबा को क्या होता है कि बाबा को अगर लोगों का कार्य करना है तो बाबा को भी कोई ना कोई माध्यम रखना पड़ता है, बाबा खुद तो सामने आ सकते नहीं है। तो ये समझे कि मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे चुना कि भाई चलो ये मैं हूँ उसका माध्यम। और मेरे माध्यम द्वारा वो जो लोगों के बीच में बाबा जा रहे हैं
आज लोग आते हैं, मेरे पांव पड़ते हैं, तो मुझे धन्य नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, अरे बड़े बुजुर्ग आते हैं, मेरे पांव पड़ रहे हैं, मैं कितना बड़ा गुरु, ये मेरे पांव नहीं पड़ रहे हैं, ये मेरे साईं बाबा के पांव पड़ रहे हैं, और साईं बाबा के आशीर्वाद से ही ये सारे चमत्कार जो है यहाँ पे घटित हो रहे हैं। ये उन्हीं की होता है कि जब 30 साल पहले जब मैंने ये बाबा का, एक्चुअली मैं बाबा को करीबन 60 साल से बाबा के पीछे हूँ। भगवान क्या है, भगवान क्या है, जब मैंने भगवान करके जिनको मानना शुरू किया वो सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा थे, उन्हीं को मैं अपना भगवान मानता था। 60 साल से मैं इन्हीं के पीछे हूँ, धीरे धीरे इन्हीं की पूजा अर्चा करना, इनके इनके इसमें खो जाना। मैं भी कमर्शियल था, मैं भी टोटली एचको का डायरेक्टर रहा हूँ। 1992 में 1992 में मुझे जमनालाल बजाज राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला है। तो ये आज क्षेत्र है और वो क्षेत्र है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। मैं अपने क्षेत्र में मशगूल था, अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा नाम था मेरा हिंदुस्तान में, हम लोग हमारे काम जोर में कर रहे थे। अचानक बाबा जब आए तो बाबा ने मुझे ये पूछा कि आपको लोगों के लिए ये कार्य करना है, तुम्हारी क्या राय है? अब साक्षात साईं बाबा जब पूछ रहे हैं मेरी क्या राय रहेगी, मैंने बोला मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके बाद मैं जो बदलता गया और आपको बताता हूँ कि जनरली आश्रम जो है या मंदिर है तो उस हालात में शुरू होते हैं जिस हालात में हमारे पास में कुछ भी खाने को नहीं रहता है। पर एक हमारा बाबा का आश्रम है, ये उस हालात में शुरू हुआ जब मेरे पास में लाखों रुपया था। ये जगह जो आप देख रहे हैं आश्रम की, ये मेरी अपनी खुद की जगह है, यही मैंने अपने आश्रम को बाबा के लिए कर दिए। क्योंकि मेरा ये कहना पड़ता है कि जब एक समय में काफी गरीब अवस्था में था तो बाबा ने मुझे ये जमीन दी है, तो ये बाबा को ही मैं अर्पित कर दूं। और इसीलिए ये जो जमीन जो है वो बाबा को अर्पित करके इसी पे मैंने साईं बाबा का स्थान बनाया। अब जो लोग मेरे पास में गुरुवार को आते हैं, बाबा ने जो मुझे सिखाया है, बाबा की देन है, अध्यात्म जो है ये बहुत बड़ा अलग विषय है। जो गुरु होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि आप परंपरागत तरीके से गुरु बने हैं या नहीं बने हैं। गुरुवार के दिन ऐसा होता है कि जो कोई भी आके मेरे पास में सामने बैठ जाते हैं तो जैसे ऐसा लगता है कि सामने पूरा टीवी चालू हो गया है और इसमें क्या बीमारी है, इसको क्या तकलीफ हो रही है, या इसने कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये उसके द्वारा मालूम पड़ जाता है। मैं बाबा से बोलता हूँ कि बाबा ये आए हैं, क्या करूँ मैं? और फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए मंत्र करते हैं। हमारे आश्रम में कम से कम जो आदमी आते हैं गुरुवार के दिन, उनसे 500 मंत्र जाप हम लोग करा लेते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा के जाप उनसे हम करवाते हैं, भले वो करें नहीं करें, पर हम लोग अलग अलग तरीके से उनसे यह जाप करवाते हैं। तो हमारा जो आश्रम है वो सिर्फ और सिर्फ जाप के ऊपर ही निर्भर है। जाप होते रहेंगे यहाँ पे सिद्धियां बढ़ती रहेगी। सिद्धियां कैसे बढ़ेगी, मैं खाली बाबा की पूजा अर्चा करके सिद्धि नहीं बढ़ाता हूँ। बाबा की पूजा अर्चा तो कई मंदिरों में होती है, फिर वहां सिद्धियां क्यों नहीं आई है? यहाँ पे जो जाप होते हैं दिगंबरा के, भगवान के प्रभु के जाप होते हैं, सिद्धियां यहाँ पे आती है, और सिद्धियों के द्वारा ही हमें जो वरदान मिलते हैं उसके द्वारा हम कई लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। और वही कार्य जो है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। बाबा ने जब मुझे कार्य सिखाया तो बाबा ने एक ही शब्द मेरे सामने रखी, तुझे पैसा चाहिए या क्या चाहिए? तो उसी वक्त मैंने बाबा को बोला है, बाबा आपने मुझे यहाँ पे लाया है, मेरी औकात नहीं कि मैं यहाँ पे आके बैठूं, गुरु के स्थान पे बैठूं, नहीं है, आपने मुझे लाया है। बाबा आपके चरणों की कसम खा के बोलता हूँ कि जब तक मेरा आश्रम चलेगा, जब तक मैं आश्रम में हूँ, मैं किसी से कुछ भी पैसा नहीं लूँगा, भले कितनी भी कठिनाई आए मैं किसी से पैसा नहीं लूँगा। गुरुवार के दिन जो भी लोग मेरे पास में आएंगे उनके लिए मैं टोटली फ्री में काम करूँगा, जो मंत्र करना है उनके लिए जागना है। आपको बताता हूँ कि जो कई बीमार आते हैं, ऐसा नहीं कि चलो मैं गुरु जी हूँ मैंने बोल दिया आपकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी उनका नाम मैं लिख के रखता हूँ। मेरे पास में ऐसे कम से कम 180 नाम रहते हैं जिनके लिए मैं रात को बैठता हूँ, आपके लिए 10 मिनट, आपके लिए 15 मिनट, आपके लिए 20 मिनट सामूहिक जाप मैं बाबा को अर्पित करता हूँ। और बाबा को मैं करता हूँ कि भाई आप मेरे पास में आए हैं, आपकी शिकायत है कि आपको फलानी बीमारी हो गई है, आपको ठीक होना है, तो मैं बाबा से हमारा अंदर का व्यवहार बाबा के साथ में, बाबा इनको ठीक करो, 1,00,000 जाप मैंने इनके लिए आपको दिए, अब ठीक करो। एक तकदीर की बात है कि बाबा ठीक करते हैं, अगर बाबा ने ठीक किया अब मेरे पास में आप ठीक हो गए तो 1,00,000 जप जो है मुझे बाबा को देना है। इसीलिए फिर जो हम रात को जो लोग होते हैं उनके लिए जाप बाबा को अर्पित करते हैं और बाबा के साथ में हमारे इसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन है कि मैं आपको जाप दूंगा, आप लोगों को ठीक कर ही लेंगे। वहाँ से मालवीय रोड से होते हुए जन कल्याण जाते हैं। एक मैं बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा साईं बाबा आश्रम जो दिख रहा है बाबा की देन है,
हम जानते हैं कि आज बाबा की पालकी है और किस हालत में और किस तरीके से हम पालकी निकाल रहे हैं। आप लोग सामने हैं, पत्रकार लोग आप देख रहे हैं सामने मेरे। यहाँ पे जो लोग ठीक होके अच्छे होके गए हैं, जो लोग एकदम भीख मंदे की अवस्था में आए थे और जो लोग लखपति की अवस्था में हैं, उसमें सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पर आज यहाँ पे आपको बाबा की पालकी के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा गुरुजी का दुख है कि अगर आप ठीक हुए हैं इसी आश्रम में आके ठीक हुए हैं, आप अच्छे हुए इसी आश्रम में आके अच्छे हुए हैं, ऐसे कम से कम 7 से 8 हजार लोगों की तादाद है जो बाबा के दरबार में आकर ठीक हुए। गुरु जी का दुख यह होता है कि जब साईं बाबा की पालकी निकली, मेरी पालकी नहीं निकल रही है, अब मेरी पालकी में मत आइए, हम साईं बाबा की पालकी निकाल रहे हैं जिन साईं बाबा ने आपको चमत्कार किए। कम से कम मेरी इच्छा होती है गुरु जी की कि उस साईं बाबा के पालकी में आप आए, साईं बाबा की जय जयकार करें, साईं बाबा को लेके। अभी जो हमारे बाबा है ये साल भर बेचारे यहाँ बैठते हैं, औलिया फकीर बेचारा वो क्या है, औलिया फकीर है, मेरे ये कहने पे लोगों के लिए दौड़ के आता है, क्या मेरा उसका रिश्ता है, कौन मेरे है, क्या मेरा उनका नाता है। मेरे कहने पे आते बाबा आइए, बीमार आए बाबा आइए, ये आया बाबा, दौड़ के चले आते हैं मेरे लिए, क्या करना है क्या करना है। उस बाबा के लिए, उस बाबा को घुमाने के लिए आप लोग नहीं आ सकते आश्रम में आज के दिन, उतना भी आपको कठिन कष्ट पड़ रहा है कि जो यहाँ पे आजू बाजू में लोग हैं वो आए, और इस बाबा को साल भर में एक ही बार हम बाहर निकालते हैं, इनके लिए रथ आया हुआ है बाहर, कि चलो बाबा साल भर यहाँ बैठे हैं लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, एक बार इनको हम घुमा के लेके आते हैं, बाबा चलो हम घुमा रहे हैं आपको, तो आते हैं नृत्य कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बाबा को हम घुमा, तो बाबा को भी लगता है कि मुझे एक दिन घुमाया। एक दिन घुमाने के लिए मुझे 2-2 महीने तक बार बार पुकार करनी पड़ी गुरु जी को, आइए बाबा की पालकी है, आइए बाबा की पालकी है। और यहाँ इन्हें गिने मुझे 10-15-20 लोग वो दिखते हैं जो कभी भी गुरुवार को नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो दुख होता है ना, ये अब पालकी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसीलिए हम लोग पालकी दूर लेके नहीं जाते हैं, वो देखना चाहिए। तो यहाँ से कराएंगे, जनक कल्याण नगर में गणपति का मंदिर है, वहाँ तक हम लेके जाते हैं, गणपति की पूजा अर्चा करते हैं, वहाँ शाल वगैरह सब उनको चढ़ाते हैं, और वहीं से वापस घुमा के पालकी हम अपने आश्रम में लेके आते हैं, पालकी आश्रम में आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बाबा का महाप्रसाद जिसको हम बोलते हैं भोजन, वो हमारे भोजन का कार्यक्रम यहाँ पे